खान और दीपिका पादुकोण की एक मूवी आई पठान, जिसमें जो है शाहरुख खान अश्लील डांस कर रहे हैं, बेशर्म रंग गाने का नाम है, और उसमें जो है भगवा मतलब कपड़ा पहन करके दीपिका पादुकोण रोमांस कर रहे हैं शाहरुख खान के साथ। और तो एक्टिव जो हो गए वायकॉट गैंग एक्टिव वो का वायकॉट कर रहे हैं कि आस्था के साथ हमारे साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं, इस देश के अंदर जो कपड़ा जो है, ये कपड़े को लेकर जो राजनीति हो रही है, कपड़ा तो भगवा कपड़ा तो मुसलमान भी पहनते हैं, ठीक है ना, और बहुत सारे लोग भी पहनते हैं कोई कपड़े को लेकर। दूसरी बात यह है कि सबसे पहले अगर कोई भी फिल्म आज की डेट में अगर देश में आती है तो उसको सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को और इनके अप्पू झप्पू जितने भी हैं, गुड्डू पुड्डू जिनके जितने भी हैं, इन सबको बिठाल कर दिखा दी जाए अंधभक्तों को, ताकि ये खुश रहें, और अगर इनको समझ में आए तो फिल्म को पारित किया जाए, वरना नहीं किया जाए। महंगाई पर कोई चर्चा नहीं है, महंगाई पर एक्टिव गैंग बिल्कुल जीरो रहती है, बेरोजगारी पर एक्टिव गैंग बिल्कुल जीरो रहती है, महिलाओं के साथ में बलात्कार हो जाए एक्टिव गैंग बिल्कुल जीरो रहती है, क्योंकि केंद्र के अंदर नरेंद्र मोदी एंड कंपनी की सरकार है, तो मोदी जी से सवाल पूछने पर इन सब की हेकड़ी जो है वो बंद हो जाती है। लेकिन फिल्मों पर अब आप एक बात मुझे बताइए, सेंसर बोर्ड फिर ऐसी फिल्मों को पारित ही क्यों करता है? सबसे पहला सवाल, क्या अब देश जो है वो फिल्मों के नाम पर ही लड़ेगा क्या, ये बताइए आप मुझे। दूसरी बात, अभी हाल ही के कुछ दिन पहले जब शाहरुख खान माँ वैष्णो के दर्शन करने के लिए गए, देखा ना आपने, उन्होंने माँ वैष्णो के दर्शन भी किए, आप सभी ने देखा होगा उम्रा करने के बाद में जब वो वहाँ से आए, तो आप एक बात मुझे बताइए कि कोई भी अगर फिल्म आती है, बहुत सारी फिल्में हैं, अगर आप देखें कि बहुत सारी फिल्म जो और भी बनी हुई इंग्लिश मूवियाँ जो बनी हुई हैं, उन इंग्लिश मूवी के अंदर भी जो है वो जो वहाँ की हीरोइन है उन्होंने ऑरेंज कलर का ड्रेस पहन रखा है, तो आप उन पर भी क्लेम करिए, उनका भी बायकॉट करिए, चले जाइए विदेश तक। ये मुद्दा नहीं है, मुद्दा है बेरोजगारी, मुद्दा है महंगाई, मुद्दा ये नहीं है कि शाहरुख खान के। अब आप एक बात मुझे बताइए, एक मुसलमान का बेटा इस देश के अंदर एक फिल्म के अंदर बजरंगी भाईजान का रोल अदा करता है, ये इस देश की खूबसूरती है। आपने देखा होगा कि सलमान खान एक मूवी बनाते हैं जिसमें वो एक हिंदू का किरदार अदा करते हैं, और वो भी आप ये समझिए हिंदू में भी सबसे जो बड़े हैं भगवान श्री राम के जो चाहने वाले हनुमान हैं, उनका वो किरदार नहीं, हनुमान जी के भक्त के तौर पर किरदार एक अदा करते हैं, तो ये हमारे देश की खूबसूरती है। तब तो जो एक्टिव बायकॉट गैंग है तब तो नहीं बोल रहे थे, तब क्यों नहीं बोले ये भाई? लेकिन दीपिका पादुकोण जेएनयू गई थी ना, आपको पता है कि ना 6 जनवरी 2020 को जब 21 को जब घटना हुई थी जेएनयू में, तब गई थी दीपिका पादुकोण भाई। तो जेएनयू जाना क्या आपराधिक मामला है क्या? देश की वित्त मंत्री वहां से पढ़कर निकली है, बताइए आप मुझे, देश की वित्त मंत्री वहां से पढ़कर निकली है? प्रमाणों भारत छोड़ो लिखा जाता है, क्या बात करते हैं? मैं एक बात बताइए, मैं जेएनयू की दीवार पर कल जाकर लिखा था नरेंद्र मोदी भारत छोड़िए, तो मोदी जी भारत छोड़ देंगे? बताइए, मैं कहता हूँ कि इस देश की गोदी मीडिया के दलाल पत्रकार भारत छोड़ें, मुँह से भी बोलता हूँ और लिख भी आऊंगा कल कहें तो। अच्छा, आप छोड़ देंगे? मोहित जी ब्राह्मण नहीं हो क्या? जी ब्राह्मण नहीं हो। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, सुनिए सुनिए, ब्राह्मण नहीं हो क्या? अरे आप मुझे प्रमाण देंगे मैं ब्राह्मण हूँ या नहीं, एक बात मुझे बताइए। अरे सुनिए, अरे आपके कहने से छोड़ देंगे? आपके कहने से नहीं, किसी एक व्यक्ति की लाइन पूरे देश की लाइन हो सकती है, ये बताइए आप मुझे। नहीं किसी, अरे सुनिए, सोच देखिए, सोच, अरे सोच क्या, देखिए सुनिए सुनिए सुनिए, ये अर्णब गोस्वामी की तरह हल्ला करना बंद करिए, जैसे वो प्रदीप वो भंडारी जो है ना टीवी चैनल पर किस प्रकार के आप शब्दों का इस्तेमाल करता है, सोच सोच के चक्कर में कहीं आप कुछ और ना निकाल दे मुंह से, इसलिए अपनी सोच को अंदर रखिए आप, ठीक है ना। वो आपने देखा होगा किस प्रकार से गालियां भी देते हैं ये लोग लाइसेंस लेकर गालियां बकते हैं, इनको लाइसेंस मिला हुआ है, ये खुलेआम जो इनके मुंह में आता है वो बकते चले जाते हैं। अब मेरी बात सुनिए, मैं आपको बताता हूं, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की आपने बात करी, जेएनयू की जो आपने बात करी, दीवार के ऊपर अगर कोई भी व्यक्ति ये लिख देगा कि ब्राह्मणों भारत छोड़ो या बनियों भारत छोड़ो, तो किसी के बाप की ये औकात नहीं है कि कोई किसी को इस देश से भगा सके। ये देश जितना ब्राह्मणों का है उतना ही शूद्रों का भी है, उतना वैश्यों का भी है, उतना क्षत्रियों का भी है, ये देश सभी का है। ये देश हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आदिवासी दलित शूद्र वैश्य सभी का देश है ये, ठीक है। और किसी एक व्यक्ति के बोर्ड पर लाइन लिखने से या दीवार पर कोई शब्द, सुन लीजिए, ब्राह्मण हो लेकिन अंग्रेज भारत छोड़ो, सुना था आपने, लेकिन ब्राह्मण भारत छोड़ो, अरे कैसा लग रहा है? मेरी बात तो सुन लीजिए, लग कैसा रहा हमें तो कुछ भी नहीं लग रहा है। अरे किसी एक व्यक्ति की लाइन पूरे देश की लाइन थोड़ी हो सकती है। अब आप चाहते हैं कि ब्राह्मण भारत छोड़े है? आप चाहते हैं ब्राह्मण भारत छोड़े? आप चाहते हैं ब्राह्मण बनिए भारत छोड़े? बताइए आप मुझे, है बताइए ना आप मुझे। यहाँ पर सभी धर्म सभी जाति के लोग हैं, कोई चाहता है क्या? कोई नहीं चाहता, सब चाहते हैं कि सब भाई आपस में मिलजुल कर एक साथ रहें। लेकिन ये जो हाथ में, एक सेकंड में आपका ये भौंपू ले सकता हूँ, इसको मैं भौंपू समझता हूँ, ये भौंपू इस देश में, सुनिए सुनिए, कोई अपमान नहीं है सर, कोई अपमान नहीं है, मैंने बड़े आपसे मांग के लिया है, छीना नहीं है मीडिया का अपमान, इतना मत करिए, ठीक है ना, बेवजह मत करिए। ये भौंपू इस देश के अंदर सारी कलेश की जड़ है, ये पूरी कलेश, सुन लीजिए पहले, सुन लीजिए, तो आप बोल लीजिए, सुन लीजिए, ये जो आप मेरे हाथ में भौंपू देख रहे हैं ये पूरी कलेश की जड़ है, ये इस देश के अंदर लेकर सड़कों पर निकला जाता है। ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस आप देख रहे हैं, ठीक मेरे पीछे ये है इंडिया गेट,
इस इंडिया गेट के पास से हम आपको लाइव कवरेज दिखा रहे हैं किस प्रकार से देश के अंदर। सुन लीजिए आप सुनने का काम करेंगे देश की मीडिया। अरे सुन तो लीजिए, सुनेंगे आप या तो आप ही बोल लीजिए, आकर आप ही बोल लीजिए, यहाँ कर बोल लीजिए, आप ही बोल लीजिए, सुनेंगे आप? अरे मैंने गलत बोला? अब तक मैंने आपको कोई गाली दे दी नहीं? ये भोपू ही है, ये गरीबों की आवाज उठाने का हमारा आज की डेट में। सुन लीजिए, अरे ये सारे बिकाऊ चैनल है, अंबानी अडानी के चैनल है, जितने नेशनल चैनल आप देखते हैं ना, ये सब बिके हुए हैं, सरकार के हाथों बिके हुए हैं, ठीक है ना? ये सारे भोंपू ही हैं। मेरी बात सुनिए, हिंदुओं की आस्था कोई ऐसे खराब नहीं हो जाती है, ठीक है ना? और दूसरी बात ये है कि अब ये जो कलर हैं, कपड़े हैं, या तो सेंसर बोर्ड पहले ही बता दे कि भैया आपको इस ड्रेस के अंदर ये ड्रेस पहनना है, आपको ये वाली ड्रेस पहननी है। और दूसरी बात, अब आप एक बात मुझे बताइए कि कपड़ों के आधार पर जो फिल्में ये पारित हो रही हैं या इनका बायकॉट हो रहा है, ये थोड़ी चलेगा इस देश के अंदर। ये तो सिर्फ मैं आपको बताता हूँ, देश के अंदर मुद्दे बहुत बड़े बड़े हैं, ऐसे ऐसे मुद्दे हैं, एक सहनशील वाले मुद्दे हैं, ऐसे मुद्दे जिनों का जवाब देश की सरकारें आज नहीं दे पा रही हैं। उन मुद्दों से देश की जनता का ध्यान हटाने के लिए पठान फिल्म हो या कोई आमिर खान की फिल्म हो, उसको जो और जो फिल्में हैं, इनको मुद्दों को उठाया जाता है। दूसरी बात, अब क्या ये समझ रहे हैं शाहरुख खान की अगर ये इस मूवी का बायकॉट करेंगे तो क्या उसके घर में रोटी नहीं पकेगी? ये बताइए ना, शाहरुख खान ने थोड़ी मूवी बनाई है भैया, मूवी तो जिस प्रोड्यूसर ने बनाई, जिस डायरेक्टर ने बनाई, आप उससे सवाल करिए। शाहरुख खान ने थोड़ी मूवी बनाई है, उसने तो उसमें किरदार अदा करा है, ठीक है? तो आप जो है उस प्रोड्यूसर से और डायरेक्टर से सवाल करिए, आप सेंसर बोर्ड से सवाल करिए। आप हिंदू मुसलमान क्यों करने लग जाते हैं हर जगह?